जय श्री महाकाल। आज नवरात्र के अष्टमी दिन है। इस शुभ अवसर में हमारे राजू शर्मा हम लोग के निमंत्रण किया और उन्हीं के द्वारा हम यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ये रामानंदन कमेटी के तरफ से हम लोग को बुलाया गया और यहाँ इतनी ये COVID-19 की वजह से इतना भव्य तो नहीं हो पाई, फिर भी जैसे भी है बहुत अच्छा हुआ। दिल छूने वाली यहाँ नज़ारा था, आरती थी और इसमें अपने को शामिल होने के सौभाग्य मिला हमको। बहुत अपने को धन्य कहती हूँ मैं नवरात्र में। ये नौ माँ दुर्गा से यही कामना करती हूँ कि हमारे देशवासी और हमारे जितने प्रयागराजवासी और हमारे अल्लाहपुर के खास करके अल्लाहपुरवासी लोग के घर में सुख शांति दे और सुस्वास्थ्य दे। और जो हमारे देश में COVID-19 चल रही है इस समय बहुत महामारी, ये जल्दी से जल्दी हमारे देश से और पूरा विश्व से ये COVID-19 निर्मूल हो, यही चाहती हूँ। माता रानी से मेरा यही प्रार्थना है और सभी को मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। आपके घर में सुख शांति बना रहे, आपके घर में खुशियाँ आवे। जय श्री महाकाल, जय माता जी, जय नव दुर्गा माँ। कि हर साल इतना धूमधाम से दुर्गा पूजा होता था, मगर इस महामारी COVID-19 में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ अरेंजमेंट किया। हमें आके बहुत खुशी हुई है और माता रानी नव दुर्गा से यही मनाऊंगी कि जितने भी दुनिया में भाई बहन माँ बाप जितने भी हैं सब इस COVID-19 की महामारी से बचें और जल्द से जल्द ये बीमारी महामारी एकदम ख़त्म हो जाए। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही माता रानी से मनाएंगे कि इससे भी अच्छा जो आपके मन में चाहत है कि अगले साल जो भी आप करें इससे बेस्ट करें, हमें बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद। सभी को तो पहले मेरा नवरात्रि का और दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभेच्छा। यहाँ पे बहुत बंगाली भी है, मैं भी खुद बंगाल से हूँ, मैं जानती हूँ दुर्गा पूजा का क्या महत्व है एक बंगाली के लिए। और सिर्फ बंगाली नहीं, ये नवरात्रि जो उत्सव है ये नवरात्रि हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। लेकिन COVID-19 के चलते अभी ये महामारी के दौरान जो जो हमको कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, हम माता रानी से यही मनाते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सबका कल्याण हो, सबके साथ कल्याण हो और माता रानी से आपको बहुत खुश रखे, COVID-19 को बहुत दूर भेज दे हमसे और सब पहले की तरह बन जाए। और फेस्टिवल तो हम लोग मनाते रहेंगे लेकिन फेस्टिवल के साथ हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम भूलेंगे तो नहीं चलेगा। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हमारा फेस्टिवल हमको मनाना होगा। प्रथा तो प्रथा होता है, उसको भी हम ठुकराएंगे नहीं, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं भूलेंगे। बस यही कहना है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री।